आप देख रहे हैं प्यारा भारत। इस समय हम हैं बिहार के रोहतास जिले के करहगर विधानसभा क्षेत्र के खनेठी गांव में। आइए यहां की जनता से जानते हैं कि इस बार चुनाव में कौन जीतेगा और कौन हारेगा। सर ये बताइए, क्या लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? नीतीश कुमार की बनेगी। हाँ हम तो नीतीश कुमार अच्छा काम किए हैं, बहुत अच्छा। क्या काम किए हैं? बिजली, रोड, लाइन, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, हॉस्पिटल, सब तो व्यवस्था किए, सब बढ़िया है, बहुत अच्छा ढंग से किए हैं। आप बताइए चाचा। हाँ स्कूल बनल बा, रोड बनल बा, बिजली मिलल बा। ये बिजली कितने, ये गांव है तो बिजली कितने घंटे यहाँ पे आता है? 22 घंटा गांव में भी। हाँ तानी मनी कटेला। ये देखिए यहाँ पे हमारे आप आसपास देखिए गांव है और गांव के क्षेत्र में भी यहाँ पे 22-23 घंटे बिजली लोग बता रहे आते हैं, 22-23 घंटे। आप बताइए क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? नीतीश कुमार का ही। आप बताइए चाचा। नीतीश कुमार का इस गांव में लग रहा है सभी, आप बताइए। हाँ नीतीश कुमार का, हम लोग नीतीश कुमार का। तो 15 साल हो गया नीतीश कुमार को, परिवर्तन नहीं चाहते हैं कि बदला जाए? ना हम लोग परिवर्तन नीतीश कुमार को चाहते हैं। क्या काम जी? हाँ बताइए चाचा। किसकी सरकार बनेगी बिहार में इस बार, कौन जीत रहा है? आप बताइए। नीतीश कुमार ही। जी हाँ। तो आप लोग 15 साल से नीतीश कुमार को देख रहे हैं, तो बढ़िया काम कर रहे हैं? सुबह काम, बहुत बहुत सुबह काम। यहाँ गांव में क्या काम देख रहे हैं? बहुत देख रहे हैं, रोड बन गया, बिजली बन गया, लाइन बन गया, आने जाने का रास्ता नहीं था वो बन गया, उसका बन गया है, पानी का वही 23 घंटा लाइन रहता है, व्यवस्था है। हाँ नल जल की भी व्यवस्था, तो घर घर में नल लगा हुआ है, घर घर में नल। जी हाँ। तो यहाँ पे घर घर में नल, यहाँ बिहार के कनेठी गाँव में घर घर में लगा। आइए कुछ युवाओं से बात करते हैं, आप बताइए कौन यहाँ पे जीत रहा है? नीतीश जी ही जीतेंगे। तेजस्वी यादव युवा है, करेंगे रोजगार भी देंगे। हाँ। तो तेजस्वी यादव नहीं जीतेंगे? जीतेंगे क्या नहीं जीतेंगे जी। तेजस्वी की नीतीश जी जीतेंगे, सब वही कर रहे हैं। आप बताइए नीतीश जीतेंगे बिल्कुल। आप बताइए। नीतीश कुमार। तो यहाँ पे मतलब क्या ऐसी विशेषता है कि सभी जिससे भी पूछ रहे हैं सभी नीतीश कुमार के पक्ष में बोल रहे हैं? तेजस्वी यादव या फिर कांग्रेस पार्टी, लालू की जो पार्टी है, उनमें क्या खराबी है? खराबी है कि चोरी डकैती बढ़ जाएगा, अपहरण बढ़ जाएगा, खराब तो क्यों नहीं है, चोरी डकैती बढ़ जाएगा। हाँ। अभी नीतीश कुमार के राज में सब ठीक है, शांति है। हाँ। तो परिवर्तन नहीं चाहते हैं? नहीं। आप बताइए। नहीं हम लोग परिवर्तन नहीं चाहते हैं। लालू यादव बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार बुढ़ा गए हैं, उनको अब संन्यास ले लेना चाहिए। लालू यादव कौन सा नया है? नहीं तो तेजस्वी यादव नए हैं। तेजस्वी लालू का कार्य हम लोग है, लालू के 15 साल कार्य हम लोग देख लिया है, अब सबसे अच्छा हम लोग नीतीश काम लग रहा है। आप क्या कर रहे हैं? उधाकर आदमी है ना, पासवान है, राइफल धारी है। कौन पासवान है? जादू सब जादू है ना, रंगदार दिन दोपहरिया भाई हाँक दिया सन, राइफल लेके चलिया सन, ये कुल काम हमने के शांति। तो मतलब आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी तो जंगल राज आ जाएगा? जंगल राज आ जाएगा। आप बताइए चाचा। नीतीश कुमार। हाँ हमने के एजी देखा था कि खड़ारी में हाई स्कूल अथु इंजीनियरिंग कॉलेज दिले बा कह के, तब तो कह रहे कि नीतीश कुमार रोजगार नहीं दिए हैं। का है इंजीनियरिंग का रोजगार? अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है। हाँ बन गया। हाँ अच्छा खड़ारी में तैयार हो गया। अच्छा रोहतास जिले को धान का कटोरा भी कहते हैं, तो यहाँ पे धान को बेचने के लिए सारी व्यवस्था इधर ठीक है, बढ़िया है, पानी देते हैं? हाँ पानी 2400 नहर है, बिजली है, मशीन है, हर व्यवस्था है, पानी का है। हाँ हाँ बहुत व्यवस्था, 24 घंटा बिजली भी है, हर व्यवस्था है। अच्छा अच्छा ये बताइए सरकार, नीतीश सरकार से कुछ तो समस्या होगा कि? समस्या नहीं लग रहा है, हम लोग पहले 15 साल जो सरकार का देख रहे हैं, न रोड था, न कुछ स्कूल था, न लाइन था, न कुछ था, आज कितना अच्छा है, तो इससे अच्छा कौन मुख्यमंत्री हम लोग का होगा? तो बोल रहे कि तेजस्वी यादव युवा है, नौकरी भी देंगे। उन्हीं का लड़का ना है जी, वो भी झूठ कह रहा था, हेमा मालिनी का गाय जैसे रोड बनवाएंगे, रोड का पते नहीं था, फिर वही जंगल आ जाएगा,
सर जो पहल का जंगल था वही आ जाएगा। 15 वर्ष में कोई काम नहीं किया है बिहार में। तो हेमा मालिनी के गाल जैसा रोड नहीं बनवाए थे? नहीं बनाए थे, नहीं। अब है आज नीतीश के बाद सर लड़का लड़की को पढ़ने का व्यवस्था कर दिया है जी, और इसमें बोला है कि जो लड़कियां 12वीं कक्षा पास करेगी उसको 50,000 रुपया दिया जाएगा। अच्छा ये बताइए, लॉकडाउन लग गया था जी, तो लॉकडाउन में बिहार से कई लोग बाहर गए थे, सब अपने गांव आ गए, तो खाने का व्यवस्था नीतीश जी दिए थे? मतलब जैसे बोलते हैं कि भूखे लोग मर रहे हैं, एक आदमी को खोलिंग दिए थे, लोई दिए थे, मछदानी दिए थे, एक बाल्टी दिए थे, एक लोटा दिए थे, एक सेट कपड़ा दिए थे, हर समय खाना प्रतिदिन पूरी जिलेबी नाश्ता देते थे, अदल बदल खाना देते थे, पूरा व्यवस्था, पूरा व्यवस्था यही पता हमारे स्कूल में पता। हाँ 500 आदमी का व्यवस्था यहाँ पर किए थे हर पंचायत का। तो ये मतलब कि नीतीश कुमार, आप बताइए क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेगा चुनाव में? बोला कांग्रेस। कांग्रेस कांग्रेस जीतेगा क्यों? कांग्रेस ने ज्यादा काम किया है। क्या काम किया है? बहुत कुछ किया है। जैसे मतलब अभी 15 साल तो नीतीश कुमार ही हैं, तो अभी क्या मतलब क्या लग रहा है, तेजस्वी यादव कांग्रेस कुछ करेंगे? हाँ जीतेंगे तो करेंगे ही। करेंगे तो नीतीश कुमार से कोई समस्या मतलब कुछ काम नहीं किए हूँ? ना समस्या क्या है, पलटू जी है, पलटू जी हैं। पलटू तो राजनीति में सभी होते हैं, लालू यादव भी तो नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाए ही थे। आइए और थोड़ा बात करते हैं कुछ लोगों से। कौन रह गया है? हाँ बताइए आप। हम वार्ड सदस्य हैं जी, 12 नंबर वार्ड ग्राम। नाम क्या होगा आप? सुनना संतोष प्रसाद प्रजापति जी। तो क्या लग रहा है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? नया ही चेहरा बनेगा शायद हमारे अंदाज से। तो नीतीश कुमार के काम से संतुष्ट नहीं है? नहीं हम लोग संतुष्ट नहीं। क्या क्या मतलब कारण है कि नीतीश कुमार का कौन सा काम खराब लग रहा है? खराब यही लग रहा है कि नीतीश कुमार जी ने जो 7 निश्चय योजना चलाया, उसमें बहुत सारी धांधली हो गई। कौन सा योजना? 7 निश्चय योजना। 7 निश्चय योजना जिसमें नली गली, नल जल, बिजली, ये सब थी 7 योजना। बिजली बता रहे हैं कि यहाँ 23-24 घंटे 22-23 घंटे आ रहा है। नल जल योजना भी हम लोग आ रहे थे देखें, कई जगह वो पानी की टंकी लगी हुई लगा है, मगर सही ढंग से चलता नहीं है, उसको सही ढंग से उसको काम नहीं कराए, उसको सही ढंग से काम करवाए नहीं। आखिर चलाएगा कौन? कौन चलाएगा? उसके लिए सरकार अपना आदमी रखे चाहे जो रखे, वो सरकार इसके लिए निर्भर करेगी कि कौन चलाएगा। गलती नहीं आप नीति, हाँ उसको चलाने के लिए उसको सरकार निर्णय लेगी कि इसको ऑपरेटर बहाल करे, उसको 12 घंटा चलाए जी। उसके लिए हम नहीं जानते हैं कि कौन चलाएगा। बाकी जो नली गली का काम था, अभी तक हमारे वार्ड में 1 रुपए का किसी का नली और गली नहीं बना। 7 निश्चय नली गली नहीं बना है? बना है सर, चलिए 7 निश्चय योजना से नहीं बना, सब बना है, रोड ढला है। ये रोड तो देखिए, रोड तो बना है, मनरेगा फंड से बना है, 7 निश्चय से नहीं बना। मनरेगा से बना, कहीं से बना? आपको सुविधा मिली ना, सड़क बन गया, क्यों चला जल बन गया, वो सर योजना क्यों चलाया गया था? अच्छा ये बताइए तेजस्वी यादव, बहुत लोगों की गली बाकी है, अभी सामने ये गली बाकी है, ये गली बाकी है, वो गली बाकी है, ये गली बाकी है, सबका हमने एस्टिमेट दिया है, कागज भी बन गया, अभी तक उसका पेमेंट नहीं आया कि हम उसको बनवाएं। थैंक यू। जितना काम करा रहे हैं सर, ये सब 2 नंबर का काम करा रहे हैं। जितना नल लगवा है अभी तक, वो टोला में लोहा का लगवाया है, पीतल का, आ इसमें कचकाड़ा का लगवा कर काम, यही वार्ड है, लूट कर रख दिया सर जी। मतलब भ्रष्ट है तो तेजस्वी यादव के इसीलिए चाह रहे हैं उसी प्रकार से जी? नहीं नीतीश जी हैं, नीतीश जी को सरकार बनेगी, बनेगी जी। तो हम कहेंगे कि सड़क दिखाइए, यहाँ पे सड़क जो है बिल्कुल पक्की सड़क बनी हुई है गाँव में भी, और नल भी बता रहे हैं कि नल जल जो टंकियाँ लगी हुई है, और 23-24 घंटा बिजली यहाँ पे नियमित रूप से आती है। हाँ 22 घंटा आती है ना जी? जी। अच्छा ये बताइए क्या अपेक्षाएं हैं सरकार से, क्योंकि अभी भी बिहार के जो लोग हैं काफ़ी मात्रा में बाहर काम करने के लिए जा रहे हैं, तो जब गांव लौट के आ गए तो गांव में काम मिल रहा है? गांव में काम एक ही बाइक सर नहीं मिलेगा, लेकिन तब पर भी मिल जाएगा काम, धीरे धीरे हो जाएगा, धीरे मिलेगा जी। अभी मैं मतलब नीतीश जी बोले हैं जी, बाकी खेती किसानी है ही है जी, है ना।